आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। बाजारों के सितारे में चर्चा होगी आज के राशिफल की, कमोडिटी बाजार की और शेयर बाजार की। लेकिन ये सब जानने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको भी ओमिक्रॉन के डर से, लॉकडाउन का डर सता रहा है और आपको कहीं ये डर है, आपको ये चिंता है कि आपकी दुकान एक बार फिर से कहीं बंद ना हो जाए और आपकी इनकम ना कम हो जाए, तो आपको और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी इनकम को सपोर्ट करने के लिए और आपकी ग्राहकी को बढ़ाने के लिए आ गई है माई बिग ब्लिस ऐप, MYMYBIGBLISS, माई बिग ब्लिस। इस ऐप के जरिए आप अपना कुछ भी सामान ऑनलाइन बेच सकते हैं, वो भी मुफ्त में। आपको इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना किसी भी तरह से कंपनी का, सिर्फ और सिर्फ अपना स्टोर रजिस्टर करना है, वो भी मुफ्त में होएगा। उसके लिए भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही कम मिनट लगेंगे और जैसे ही आपका स्टोर लाइव हो जाएगा आपके पास ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। तो ना ही कहीं जाने की ज़रूरत है, ना ही किसी से बातचीत करने की ज़रूरत है। बस अपना फ़ोन उठाना है, ऐप को डाउनलोड कर लेना है और अपना स्टोर बना के ऑर्डर्स लेने शुरू कर देने हैं। सिर्फ इतना सा काम करना है और आपकी ग्राहकी बढ़ जाएगी। तो तुरंत डाउनलोड करें माई बिग ब्लिस ऐप। इसी के साथ बाजार के सितारे में शुरुआत कर लेते हैं आज के राशिफल की। जानेंगे कि आज कौन सी राशि मुनाफा कमाने की स्थिति में रहेंगी, किन राशियों में आज संभल के चलना सही रहेगा। और ये सब जानने के लिए, हमको ये सब बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाजार के जाने माने एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स सीरीज पर। शुभ प्रभात मार्केट टाइम्स के दर्शक बंधुओं, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल और मार्केट टाइम्स के संयुक्त प्रयासों से ये शो प्रसारित हो रहा है। आज कारोबारी कैलेंडर ईयर सन 2021 का 52वां सप्ताह, मंगलवार 28 दिसंबर, यानी साल खत्म होने में चंद ही दिन बाकी। आज के इस विशेष एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान, कहां आपका लेनिया है, कहां आप नुकसान उठा सकते हैं। कृषि जींसों के अंदर भी हम चर्चा करेंगे, साथ साथ हम आपको नॉन एग्रो कमोडिटीज पर भी आप एस्ट्रो फाइनेंस के आधार पर आपसे चर्चा करेंगे और साथ में शेयर बाजार की हलचल पर भी। सबसे पहले राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। आज चंद्रमा कन्या राशि में है, वृश्चिक राशि में केतु और मंगल का साथ है, सूर्य और बुध धनु राशि में है, शुक्र और शनि का साथ मकर राशि में है और देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि के अंदर है, जबकि राहु वृषभ राशि में है और उससे 180 डिग्री की दूरी पर केतु और मंगल है। दोस्तों आज जो तेजी मंदी या नफा नुकसान राशियों के आधार पर रहेगा, भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल, और एक तत्व को 3-3 राशियों का स्वामित्व बनाया गया है। अग्नि तत्व की 3 राशियां 1-5-9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि आज आपके लिए दिन संभवतः मुफीद ना रहे, परेशानियां बढ़ सकती हैं, आपकी तुरंत निर्णय लेने की क्षमता आपको अक्सर दूसरों से आगे रखती है, लेकिन आज थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। 2, 6, 10 पृथ्वी तत्व की राशियां हैं यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि, दिन आपके लिए अच्छा रह सकता है, लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं। 3, 7, 11 ये हैं वायु तत्व की राशियां यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि, आपके लिए दिन संभवतः शुभ और मंगलकारी रह सकता है, लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं। 4, 8, 12 ये है जल तत्व की राशियां यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, आपके लिए दिन मिश्रित रह सकता है। ये था राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। एक विशेष बात, सन 1980 में जन्म लेने वाले कारोबारी के लिए सन 2022 जो है अगला साल बहुत महत्वपूर्ण रहने की संभावना बनेगी। यदि आपकी पत्रिका में, जन्म पत्रिका में ग्रह स्थिति मजबूत है तो आपको मान सम्मान, नए व्यापारिक अवसर और बड़े लाभ के अवसर होंगे, लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी रहेगा। इसके विपरीत यदि जन्म पत्रिका के अंदर ग्रह स्थिति की कमजोरी है तो अपमान, नौकरियों में ट्रांसफर, परेशानियां, उद्योग धंधों के अंदर तालाबंदी,
साझेदारों के बीच में अनबन जैसी बहुत बड़ी समस्याओं को भी जन्म दे सकता है, अतः आप विशेष ध्यान रखें। जी अखिलेश जी। जी तो ये तो हमने कर्नल जी से जाना कि आज का राशिफल कैसा रहेगा, कौन सी राशियां लाभ कमाने की स्थिति में रहेगी और किन राशियों को बच के चलना चाहिए। अब कर्नल जी से जानेंगे कि एग्री कमोडिटीज का बाजार कैसा रहेगा। कर्नल जी, सबसे पहले एग्री कमोडिटीज में आपसे सोयाबीन के ऊपर बात करना चाहूँगा। सोयाबीन में आपने मार्केट एम सी वी के माध्यम से पहले ही बता दिया था कि ज़्यादा मंदी की संभावना नहीं है, निराश नहीं होना पड़ेगा, और हमने वैसा होते हुए देखा भी है बखूबी। अनेक फैसलों के बावजूद सोयाबीन निचले स्तरों से उठती नजर आई थी। हमने वायदा कमोडिटीज़ पर बैन लगने के बावजूद भी और कई राज्यों में स्टॉक लिमिट लगने के बावजूद भी सोयाबीन की कीमतों में निचले स्तरों से खरीदारी बनते देखी है। NCDX पर जब वायदा पर बैन लगा था तो सोयाबीन नीचे में 5600 तक ट्रेड करती नजर आई थी, वहीं आज देख रहे हैं कि 6300 पर ट्रेड करती नजर आ रही है। 6300 की इम्पैक्ट ऊपर ही है, 6355-50 के आसपास है, लगभग 700-750 पॉइंट्स की तेजी बनती है। ये कहना लीजिए जी, आपने पहले ही बता दिया था कि सोयाबीन में ज़्यादा गिरावट नहीं है और वो हम होता हुआ अब देख रहे हैं। अब यहाँ से आपको क्या लगता है सोयाबीन में आगे कैसा रुझान रहेगा, क्योंकि हमने देखा है कि सरकार ने सोया खली यानी कि जो DOC है उसके पर भी स्टॉक लिमिट लगा दी है कि पोल्ट्री इंडस्ट्री 3 महीने से ज्यादा इसको स्टॉक करके नहीं रख सकती है। अखिलेश जी, मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं और मार्केट टाइम्स टीवी के सभी दर्शक बंधु जो हमारे प्रोग्राम्स को बहुत मान सम्मान देते हैं और बहुत ध्यान से सुनते हैं और अब उसमें कमेंट्स भी लिखते हैं, मैं उन सबका साधुवाद कहता हूँ, उनको शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। देखिए, जब बाजारों के अंदर तिलहन के ऊपर अफरा तफरी थी, चाहे मिलर्स हों, चाहे व्यापारी हों, कारोबारी हों या फिर किसान बंधु, सभी बड़े असमंजस की स्थिति में थी उस वक्त भी हमने यही कहा था कि बिल्कुल हैरान परेशान मत होइए, ये जो मंदी का थोड़ा सा जो दौर है ये एक टेम्परेरी या दौर है और इसके अंदर कुछ आपको और हमारा मत अनुसार यही था कि इसके अंदर तेजी बनेगी। देखिए, लगभग नीचे के स्तर से करीबन 700-750 रुपए की तेजी बन गई है और ये लगभग 15% का होता है। अब महत्वपूर्ण ये होता है कि देखिए, कभी भी कोई तेजी या मंदी और सन 2022 का जो टाइम रहेगा उसके अंदर बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आएंगे, क्योंकि उसकी वजह भी है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी बिल्कुल नजदीक हैं और सरकार किसी भी कीमत के ऊपर अपना पूरा प्रयास करेगी कि खाद्य तेलों के अंदर तेजी ना रहे। और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी एक खबर के जरिए बताया है कि देश की अग्रणी खाद्य तेल कंपनियों ने अपने खाद्य तेल ब्रांड्स के अधिकतम खुदरा मूल्य जो MRP है उसमें 10-15% तक की कमी की है। और गौरतलब है कि मार्केट टाइम्स टीवी के माध्यम से हम लगातार इस पॉइंट को उठा रहे थे कि जब तिलहन के यानी ऑयल सीड्स के भाव गिरते हैं तो MRP के अंदर नहीं गिरते, कोई गिरावट होती, और रिटेल यानी खुदरा विक्रेता ये कहते हैं कि हमारा तो पिछले तेजी आया हुआ है और हम MRP पे ही बेचेंगे। देखिए, उस मुहिम का एक नतीजा ये आया कि अब MRP में 10-15% की कटौती हो रही है। इसमें अडानी विल्मर है, फॉर्चून ब्रांड है, रुचि सोया ने महाकोर, सनरेच, रुचि गोल्ड, न्यूट्रेला और इमामी जो वो भी अग्रणी कंपनी मानी जाती है हेल्दी और टेस्टी ब्रांड पर, ब्रज ने डालडा, गगन चंबल ब्रांड और जेमनी ने फ्रीडम सूरजमुखी तेल की MRP घटा दी है। तो ये एक अच्छा संकेत है और जैसे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट एसोसिएशन के ने कहा है कि सभी ब्रांडों के तेल में लगभग 10-15% की कमी हो गई है, आम लोग महंगे तेल से राहत के लिए एक कदम उठाया गया है। एसोसिएशन ने यह भी कहा है कि उम्मीद है कि आने वाले महीनों में खाद्य तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत में नरमी आएगी और देश के सरसों की बड़ी फसल आ जाएगी, इससे नए साल में खाद्य तेलों की कीमत कम होगी। ये है एक आकलन। अब एक बड़ा प्रश्न है कि जब खाद्य तेलों के भाव गिर गए थे, जब सोयाबीन के भाव गिर गए थे जी। ये पिछली दो बार कुछ महीनों में दो बार हुआ है। पहले सरसों के वायदे पे रोक लगी थी, स्टॉक लिमिट थी,
आयात में के ड्यूटी में कम की ये कमी की गई थी, पाम ऑयल को ड्यूटी फ्री कर दिया गया था, उससे बुरी तरह से फसल के टाइम सोयाबीन में सितंबर अक्टूबर के अंदर नतीजा आपके सामने है। उसके बाद पुनः अब सोयाबीन और रिफाइंड और पाम जैसे महत्वपूर्ण ऑयल चीट की वायदा बाजार की ट्रेडिंग में रोक लगी है। और उसके बाद में भी जिन्होंने हमने पहले भी चेताया था, दूसरी बार भी हमारी ये भविष्यवाणी पूर्णतः सत्य साबित हुई। हमें आज मुझे लगता है कि कुछ तेजी रह सकती है और ऑयल सीड के जो तिलहन है उसकी तेजी मंदी पर एक विशेष शो मैं आपके साथ करना चाहूंगा अखिलेश जी, जब भी आपको समय मिलता है दर्शकों के लिए, कि आने वाले एक से डेढ़ महीने में बहुत बड़ी उतार चढ़ाव होगा खाद्य तेलों में, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या वो तेजी के होंगे या मंदी के? याद रखिएगा कि पिछली दो बार की मंदी की सूचनाएं थी, मंदी की जो अफवाहें थी, मंदी की जो विश्लेषण था, सभी मार्केट विशेषज्ञ ने सारे मिल ऑनर्स को बुरी तरह से परेशानी में डाल दिया था कि पहले भी वो माल नहीं खरीद पाए थे, उसके बाद तेजी लगभग 30% 35% की तेजी हुई, उसके बाद अभी एक सप्ताह के अंत के से पहले का भी यही हुआ कि बाजार के अंदर मंदी 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 की चारों तरफ से खबरें आने लगी और उसके बाद भी फिर उन्होंने किया, फिर बाजार में रेट बढ़ गए। तो ये सबसे बड़ी समस्या है मिल ऑनर्स की कि जब वो मंदी सोच रहे होते हैं, बाजार में मंदी की अफवाह होती है, उसके बाजार में तेज हो जाते हैं, जब तेजी होती है तो मंदी हो जाती है। और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हमेशा से ही आपको अग्रिम आगाह करती है और वो लगभग सत्य भी साबित होते देखे गए हैं। दूसरा आपका सवाल था अखिलेश जी कि सोयाबीन की खली के लिए, तो मेरा एक सीधा सा सवाल है, एक सीधी सी एक सीधा सा मत है, 3 महीने यानी 90 डेज की जो अवधि है आज की इस तेजी मंदी के दौर में कौन और कितने व्यापारी हैं या कितने पोल्ट्री फार्म वाले हैं या कितने वो जो लोग हैं जो 90 दिन से ज्यादा का माल रखते हैं? जी, मेरे मतानुसार 90 दिन का माल से ज्यादा का माल इस उतार चढ़ाव बाजार वाले बाजार में रखना ही मुश्किल है। तो इसके अंदर सरकार ने लिमिट 90 दिन की लगाई है, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने लगा दी है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, इससे सही रहेगा। लेकिन पॉइंट ये है कि 90 दिन से ज्यादा माल रखते कितने लोग हैं जी? कितने लोग ना साल भर का स्टॉक रख रहे हैं, कितने लोग 6 महीने का स्टॉक रख रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और जब इतनी तेजी से बाजारों में उतार चढ़ाव हो रहा है, एक तरफ तो पोल्ट्री फॉर्म वाले ये भी कह रहे हैं कि इसमें बहुत तेजी है, हमारा पड़ता ही नहीं बैठ रहा है, तो वो 90 दिन से ज्यादा रखने की उनके लिए ताकत ही नहीं है। और सोया डीओसी पे चाहे आप लिमिट कितना भी लगाए, व्यापारी जो एक मध्यम कारोबारी है वो नहीं किसी भी कीमत में 3 महीने का स्टॉक से ज्यादा तो रखता ही नहीं है, और ना उनकी क्षमता है आज के दौर में, क्योंकि एकदम से यदि आप बिनौला खली के भाव देख लें या इसका सरसों का आप देख लें किसी भी व्यापारी जो मध्यम वर्गीय व्यापारी है वो 3 महीने से ज्यादा रखता ही नहीं है, तो इससे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा। और जब भी बाजार में भाव घटेंगे तो उसका असर भी स्वाभाविक रूप से पड़ना है और तेजी होगी तो भी स्वाभाविक है। लेकिन अभी तो खली के जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी मिलर्स हैं, जितने भी बड़े कारोबारी हैं या छोटे कारोबारी हैं, उनकी पेशानियों पे तो सलवटे ही हैं, उनको बहुत बुरी तरह से परेशानी हो रही है कि अब क्या करें, क्योंकि मंदी के अंदर माल जब मार्केट विशेषज्ञ बोल रहे होते हैं तो मंदी के बाद तो एकदम से तेजी आ जाती है, तो वो क्या करें, वो माल उस टाइम भी चूक जाते हैं। तो मैं यही आप दर्शकों को कहूंगा कि मार्केट टाइम्स टीवी पर बिल्कुल आप फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का मत देखना बिल्कुल ना भूलें यदि कारोबार के अंदर लंबे समय तक रहना है तो, क्योंकि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और फंडामेंटल एनालिसिस का ये अद्भुत संगम संभवतः विश्व में एक या दो प्लेटफॉर्म पे ही उपलब्ध है, बाकी और कहीं नहीं है, चाहे वो कच्चा तेल हो, चाहे सोना चांदी हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, यही मेरा कहना है जी अखिलेश जी। जी, तो यानी कि सर आगे जो विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं बड़े बड़े राज्यों में, उसके मद्देनज़र सरकार भी यही चाहती है कि आम उपभोक्ताओं को, आपको, हमको, आम जनता को जो खाद्य तेल है वो सस्ती कीमतों पर मुहैया कराए जा सके, जिसकी वजह से सरकार पूरी पूरी कोशिश करेगी कि खाद्य तेलों की कीमतें नीचे भी रहें। हालांकि भारतीय तेल तेलन की जो कीमतें हैं वो विदेशों से तय होती आती हैं, लेकिन अभी सरकार का जो इस पर
इंटरप्शन हो रहा है, सरकार का जो इंटरवेंशन हो रहा है अभी इसमें बीच में विधानसभा के चुनाव के चलते, उसके चलते खाद्य तेलों में गिरावट बनी हुई है। जैसा कर्नल अजय जी ने बताया कि प्लांटों ने अपने भाव लगभग 15-20% कम भी किए हैं, तो उसका असर हम तेल तिलहन के बाजार पर जरूर पड़ता देखेंगे। लेकिन चुनाव के बाद क्या होगा, आगे तेजी रहेगी, मंदी रहेगी, और आगे 1-1.5 महीने में तेल तिलहन में बड़ा उतार चढ़ाव होने वाला है कर्नल अजय जी, उस पर भी आप सब के लिए, दर्शकों के लिए शो लेके जरूर आएंगे मार्केट एम सी वी के माध्यम से ही, उसको देखना मत भूलिएगा। बहुत ही जल्द आप सब के लिए खाद्य तेलों पर कर्नल अजय जी एक शो भी लेके आएंगे, जिसमें बताएंगे कि आगे तेजी रहेगी, मंदी रहेगी, 1-1.5 महीना खाद्य तेलों के लिए कैसा रहेगा, यानी कि कुल मिलाकर नए साल की शुरुआत में खाद्य तेलों का रुझान कैसा रहने वाला है, इस पर चर्चा होगी। यहीं से कर्नल अजय जी बात करें, आगे बढ़े कपास और कपास खली की, तो हमने दोनों में ही तेजी बनते देखी है। कपास में तेजी आती है तो बिनौला खल में भी तेजी आती है, और बिनौला खल में आप पहले ही बता चुके हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्योंकि साल 2021 के कुछ ही दिन बचे हैं, 2022 का आगमन होने वाला है, तो ऐसे में 2022 के आगमन में कपास और कपास खली का रुझान कैसा रह सकता है? देखिए, कपास के लिए भी यदि आपको ध्यान हो तो कल हमारे एक विशेष शो के अंदर हमने आपको पूरा जोन वाइज अपना विश्लेषण दिया था कि सेंट्रल जोन, साउथ जोन और नॉर्दर्न जोन के अंदर कपास यानी कॉटन की अराइवल कितनी है। ये मार्केट टाइम्स टीवी पर ये शो उपलब्ध है, कि दर्शक बंधु आप देखना चाहें तो हमारे कल वाले विशेष शो को एक बार दोबारा देखें। उसके अंदर भी हमने ये कहा था कि बहुत कम अराइवल हो रही है कपास की जी। क्योंकि कपास की जब अराइवल नहीं होगी, जब आगमन नहीं होगा मंडियों में, तो उसका असर कपास खली के ऊपर निश्चित रूप से पड़ेगा, और कपास कॉटन सीड ऑयल के ऊपर भी निश्चित रूप से पड़ने की संभावना है। एक और महत्वपूर्ण बात ये भी देखने में आ रही है कि कपास के अंदर अच्छी क्वालिटी का जो कॉटन है वो कॉटन जो है वो उसकी अनुपात या उसकी मात्रा कम है। नॉर्मली ये होता था कि हर साल यदि हम आंकड़ों पर दृष्टि डालें तो 15-20% की का कॉटन हल्का होता था, बाकी 80% कॉटन की क्वालिटी अच्छी होती थी। लेकिन इस साल उल्टा सा हो रहा है, विपरीत हो रहा है, और लगभग 60-70% और कई इलाकों में तो 80% अच्छी कॉटन नहीं आ रही है, और वो दागी कॉटन आ रही है। और इसका प्रमुख कारण भी यही बताया जा रहा है कि पिंक बॉम जो कीड़ा था उसके वजह से कॉटन की फसलों को काफी नुकसान हुआ, और बेमौसम बरसात के अंदर भी फसलों को नुकसान हुआ, और इसका खामियाजा कॉटन को देखने को मिल रहा है। अच्छी क्वालिटी के कॉटन नहीं उपलब्ध होने के वजह से जिनके पास अच्छी क्वालिटी की कॉटन है, मिलर्स जो हैं, जीनर्स जो हैं, उन्होंने भी अपना हाथ रोक के माल बेचने का निर्णय अक्सर सुनने में आ रहा है। और दूसरी, किसान के भी जो नरमा है, उसका जो कॉटन है उसको रोक कर चलने में उसको समझ आ रही है, और वो डायरेक्ट मिलर्स या जीनर्स से ही कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो इस स्थिति के अंदर या अभी कॉटन की जो स्थिति है वो बिल्कुल माड़ी है, बहुत अच्छी नहीं है। तो इसको कुल मिला के यही देखा जा सकता है कि यदि छोटी अवधि के लिए देखा जाए तो कॉटन के अंदर अभी आज जो है तेजी बनी रह सकती है, और इसका कॉटन सीड ऑयल केक जो है कपास या खली उसके अंदर भी तेजी की संभावना बन सकती है। यद्यपि कुछ एसोसिएशंस ने कपास या खली के वायदे पे रोक लगाने की भी सरकार से अर्जी लगाई है कि इसके वायदे को रोक लगनी चाहिए, सट्टेबाजी रुकनी चाहिए, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये जरूरी है कि एनसीडीएक्स पर रोक लगाने से क्या वो तेजी रुक सकती है जी? क्या तेजी मंदी में कन्वर्ट हो सकती है? क्या इससे किसान और कारोबारियों को फायदा होगा? ये तीन प्रश्न होते हैं। तो बिल्कुल लाइव एग्जांपल हमारे सामने है कि सोयाबीन के अंदर तेज रोक लगी, सोया रिफाइंड सोया के पर रोक लगी, पाम ऑयल पे रोक लगी, इंपोर्ट ड्यूटी घटी, उसके बावजूद के अंदर एक सप्ताह में ही लगभग 15% की तेजी दर्ज हो गई। तो ये तो निश्चित है कि जो भी तेजी या मंदी है वो बहुत लंबे समय तक यदि ग्राउंड रियलिटीज के आधार पर नहीं होगी तो वो लंबे समय तक कामयाब नहीं रहेगी, क्योंकि एग्रो कमोडिटीज का जो भी कारोबार है, एग्रोजीन्स का जो भी कारोबार है, वो डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर चलता है जी। साथ साथ सेंटिमेंट के आधार पर चलता है, ये निश्चित है। यदि आपके पास उत्पादन कम है, अराइवल कम है, तो
तो कोई भी किसी भी प्रकार का प्रतिबंध बहुत लंबे समय तक कारगर नहीं रह सकता है। ये उसी प्रकार है कि अक्सर कहा जाता है कि भूखे पेट कभी मंदी नहीं आती और भरे पेट कभी तेजी नहीं आती। ये अक्सर सुनने में आता था हमारे बुजुर्ग और गांव के बुजुर्ग और व्यापारियों के, अक्सर ये सुनने में आता था कि खाली पेट कभी भी मंदी नहीं आएगी और भरे पेट कभी तेजी नहीं आएगी। इसका अर्थ मैं आपको आपको समझाने का प्रयास करता हूं। यदि पाइपलाइन के अंदर माल नहीं है तो किसी भी कीमत पे मंदी नहीं आती है। पाइपलाइन खाली है, मंडियों में माल नहीं है, तो आप उस समय आप मंदी की उम्मीद करें तो ये ठीक नहीं है। और भरा पेट हो, मतलब कि माल मंडियों में भरपूर हो, ऊपर नीचे माल पड़ा हुआ हो, पाइपलाइन पूरी भरी भी हो, उस समय आप तेजी की उम्मीद करें तो ये भी नहीं होता। तो यदि पाइपलाइन खाली है, यानी खाली पेट है, तो पाइपलाइन खाली है तो निश्चित माने बहुत लंबे समय तक वो मंदी नहीं जारी रह सकती। और भरा पेट यानी जब पाइपलाइन के अंदर माल है, मंडियों में माल है, ऊपर नीचे माल पड़ा हुआ है, उस समय आप तेजी की उम्मीद करें तो ये भी गलत होगा। और यही वजह है कि लाल मिर्च में भी आप देख लें, इसके अलावा मसाला पैक में, धनिया में भी आप देख लें, जीरे में भी आप देख लें, कपास में भी आप देख लें, ये सारी चीजें बिल्कुल निश्चित क्लियर होती जाती है। और जब यदि आप बहुत बड़ा इंपोर्ट कर लेते हैं या बहुत बड़ा आपके पास बफर स्टॉक है तो आपका पेट भर जाता है। लेकिन ऐसा कोई मुझे नजर नहीं आ रहा है कि निकट भविष्य के अंदर कोई बहुत बड़ा इंपोर्ट होने वाला है सरकार के जरिए, या कोई बहुत बड़ा बफर स्टॉक बनाया जा रहा है सरकार के जरिए या और किसी तरीके से। जब तक ये चीजें नहीं होगी आप बहुत बड़ी तेजी या मंदी का अनुमान कैसे लगा सकते हैं। जी अखिलेश जी, जी तो यानी कि अभी बिनौला खल की कपास का जो बीज है उसकी उपलब्धता मार्केट में इतनी देखने को नहीं मिल रही है, जिसका असर बिनौला की कीमतों पर तेजी के तौर पर पड़ता नजर आ रहा है। और दूसरा, अभी आगे इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड भी जरूर देखने को मिलेगी, जिसका अनुमान, जिसकी प्रिडिक्शन कर्नल अजय जी ने काफ़ी समय पहले ही कर दी थी कि बिनौला खल साल 2021 के अंत तक और 2022 में काफ़ी शानदार मुनाफा देता नजर आएगा। और उसके साथ साथ कपास की भी जो भविष्यवाणी है, जो प्रिडिक्शन है, कर्नल अजय जी ने काफ़ी समय पहले कर दी थी, और उस समय कर दी थी जब कोई भी विशेषज्ञ कपास में तेजी के बारे में नहीं बोल रहा था, सबको यही लग रहा था कि कपास में गिरावट ही आएगी। तब कर्नल अजय जी ने कपास में तेजी का अनुमान दिया था और वो अब हम सत्य साबित होता हुआ देख रहे हैं। यहीं से कर्नल अजय जी बात करें अगर गवार्स की, तो गवार सीड में देख रहे हैं कि आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, गम में भी तेजी देखने को मिल रही है। आपके अनुसार और ज्योतिष के अनुसार गवार गम और गवार सीड में आज बाजार कैसा रह सकता है? अखिलेश जी, आपको याद होगा कल के शो में, लाइव शो में हमने यही कहा था कि गवार गम के अंदर जो वॉलिटिलिटी है या गवार सीड के ऊपर एक गवार कॉम्प्लेक्स में आपने यही कहा था कि फंडामेंटल इसके बहुत मजबूत हैं और किसी भी प्रकार की स्पेकुलेटिव गतिविधियों की वजह से इसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहता है, क्योंकि गवार सीड एक बहुत छोटी कमोडिटी है और इसमें चंद लोगों के हाथ में ही इसका व्यापार और कारोबार होता है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे NCDEX पे हो, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के कुछ कारोबारी इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और किसान बंधु भी इंटरेस्ट लेते हैं। गवार के फंडामेंटल मजबूत है, कच्चे तेल के अंदर मजबूती जारी है और आने दो दिन के अंदर भी तेजी रहने की संभावना बनती है, तो मुझे लगता है इसका प्रभाव गवार सीड और गवार गम पे ज्यादा पड़ेगा। और मुझे गवार सीड के मुकाबले गवार गम के अंदर यदि दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो गवार गम के अंदर तेजी सीड के मुकाबले अधिक बनती है, क्योंकि गवार गम के भाव गवार सीड के हिसाब से अभी भी अंडर वैल्यूड है और जैसे ही इसके अंदर मूवमेंट बनेगी, इसके अंदर जो है इसके फंडामेंटल मजबूत होने की वजह से इसके अंदर तेजी की संभावना बन सकती है। एक और बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी कमजोर हाथ थे गवार के अंदर, जो उन्होंने अपना माल बेचना था, वो लगभग बिक चुका है, क्योंकि अक्टूबर से और दिसंबर खत्म हो रहा है, ये 10-30 महीने जो है इसके अंदर ये सारी स्थिति क्लियर हो गई है। अब जो मंडियों के अंदर माल है या कारोबारियों के पास माल है, व्यापारियों के पास माल है,
या गवार गम की फैक्ट्रियों के पास जो भी माल है वो बिल्कुल अगले 3 महीने से 4 महीने और 6 महीने के हिसाब से है। तो इसके अंदर आपको एक बहुत बड़ा उतार चढ़ाव आने की मतलब नीचे के स्तर मुझे कम ही नजर आ रहे हैं और मुझे लगता है इसके अंदर आज तेजी की संभावना बन सकती है। और रहा सवाल लंबे समय तक वो तो हम लोग लगातार आपके साथ हर रोज उपलब्ध हैं, हम लगातार इस पर अपनी पैनी नजर रखेंगे और आपको हर तेजी और मंदी के ऊपर अपना विश्लेषण देते रहेंगे। जी अखिलेश जी। जी तो गवार गम और गवार सीड में ज़्यादा मंदी तेजी देखने को नहीं मिलेगी, अभी जो फंडामेंटल्स है कर्नल जी के मुताबिक गवार के मजबूत ही हैं और काफ़ी छोटी काफ़ी सीमित दायरे में यूज़ किया जाता है गवार गम और गवार सीड दोनों का, और जो इंडस्ट्रीज इसे यूज़ करती है उन्हीं सीमित दायरे में ही इसकी जो स्पेकुलेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती हैं। ओवरऑल रुझान गवार गम में ज़्यादा है, ग्वार गम ग्वार सीड में तेजी का ही रुझान है और ग्वार गम में सीड के मुकाबले कर्नल जी के मुताबिक ज़्यादा तेजी है। इसे कर्नल जी बात करें अगर नॉन एग्री कम्युनिटीज़ की, तो नॉन एग्री में देख रहे हैं कि सोने चांदी में काफ़ी ज़्यादा उठापटक है, जिस दिन ओमिक्रॉन के केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं सोने चांदी में बढ़त बनती है, जिस दिन थोड़े कम देखने को मिलते हैं उस दिन थोड़ी गिरावट आती है। ऐसे में आपको क्या लगता है अब आगे सोने चांदी में कैसे रुझान रहेगा? अखिलेश जी आपको कल वाले हमारे शो के अंदर हमने यही कहा था कि तेज वोलेटिलिटी हो सकती है और देखिए कल चांदी और सोने ने एक बार गिरावट दर्ज की और उसके बाद तेज बाउंस बैक किया और उतार चढ़ाव दोनों तरफ ही हिस्से ऑफ मूवमेंट हुई। मुझे लगता है कि जिस तरह से डॉलर इंडेक्स के अंदर मूवमेंट हो रही है, रुपी के जो मूवमेंट हो रही है उस सबको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि आज कोई बड़ी गिरावट बुलियन पैक में होगी। इसमें यहाँ से खरीद के चलना चाहिए और इसमें कोई बड़ी गिरावट की संभावना संभवतः नहीं बनती है और आज तेजी का रुख में ये संभावना अधिक बढ़ती है। जी अखिलेश जी। जी तो जैसे कि कर्नल जी ने बताया कि निचले स्तर पर खरीदारी में सोने चांदी में रहा जा सकता है, आगे अब सोने चांदी में ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं बनती है उनके अनुसार और ज्योतिष के अनुसार एस्ट्रो फाइनेंस के मुताबिक सोने चांदी में आगे तेजी की संभावना ज़्यादा बन रही है। यहीं से कर्नल जी बात करें अगर शेयर बाजार की, तो शेयर बाजार में जानना चाहूँगा कि एस्ट्रो फाइनेंस के मुताबिक आज शेयर बाजार कैसा देखने को मिल सकता है और वो कौन से शेयर्स होंगे जिनमें आज अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए सेकेंडरी कैपिटल मार्केट जिसे हम लोग स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार के नाम से जानते हैं, इसके अंदर हमेशा से ही कुछ अलग अलग स्टॉक्स के ऊपर हम चर्चा करते हैं। कुछ वैल्यू स्टॉक्स होते हैं, कुछ ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं, साइक्लिकल स्टॉक्स होते हैं और यदि हम लोग निफ्टी की तरफ देखें तो 18,600 का इसका उच्चतम स्तर था और उसके बाद में इसने 17,000 का लेवल भी तोड़ा और ये 16,810 तक के नीचे के लेवल भी इसमें देखे गए और उससे भी नीचे देखे गए। अब जो ये मोमेंट रही थी ये ज्यादातर जो सेलिंग थी वो रिटेल इन्वेस्टर्स की सेलिंग नहीं थी, ये सेलिंग थी विदेशी संस्थागत निवेशक यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं उनकी सेलिंग थी और उसकी वजह भी अलग अलग बताई जा रही है कि इंटरेस्ट रेट्स के अंदर लगातार अब बढ़ने की संभावना अंतर्राष्ट्रीय विकसित जो अर्थव्यवस्था है चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोपियन हो या वहां पर ये संभावना बन रही है। दूसरा जो लगातार भारत के अंदर कुछ कड़े कदम उठाए जा रहे हैं उससे भी विदेशी संस्थागत निवेशकों को थोड़ी सी हड़कंप है और तीसरा जो महत्वपूर्ण जो है कि जो साल कैलेंडर ईयर का अंत है तो ये लास्ट के जो 15-20 दिन होते हैं ये अक्सर वॉलेटिलिटी वाले होते हैं क्योंकि विदेशी संस्थागत निवेशक जो हैं वो थोड़ा सा छुट्टियों के मूड में होते हैं, वो बाहर जाते हैं और जनवरी के फर्स्ट और सेकेंड वीक तक वापस आते हैं। तो ये 3-4 जो एक फंडामेंटल रीजन्स हैं जिनकी वजह से बाजारों के अंदर कुछ गिरावट है और ये कहा जाता है कि जैसे मैंने कहा कि अब जो बाजार है वो विदेशी संस्थागत निवेशकों पर पूर्णतः निर्भर नहीं होगा क्योंकि जो घरेलू संस्थागत निवेशक हैं जिसे DIs कहते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स इंडिया का बहुत मजबूत होता जा रहा है। तो जो अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स हैं फ्रंटलाइन स्टॉक्स हैं चाहे बैंकिंग हो चाहे ऑयल एंड गैस हो चाहे सूचना एवं प्रौद्योगिकी IT हो या मेटल हो फार्मा हो ऑटोमोबाइल हो इनके अंदर जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं जिनकी वैल्यू बाइंग है निचले स्तर पर है उन स्तर के ऊपर धीरे धीरे बाइंग करने के चलना चाहिए, कल भी हमने यही कहा था। और निवेश की दृष्टि से रखना चाहिए जैसे टाटा स्टील है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, SBI है, HDFC बैंक है
ONGC है, इंस्ट और वेदांता है, लेकर स्टॉक्स कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं क्योंकि इस क्वार्टर के अंदर अच्छे रिजल्ट्स रहने की उम्मीद है उनकी, जैसे लेकर स्टॉक्स के अंदर रेडिको खेतान है, यूनाइटेड ब्रेवरीज है, तो इन कंपनियों के ऊपर आप नजर रखें, अच्छी क्वालिटी स्टॉक फ्रंटलाइन स्टॉक्स की तरफ नजर रखें और छोटे और पैनी स्टॉक से बचने की सलाह रहती है क्योंकि जब भी गिरावट होती है उसमें क्वालिटी स्टॉक का भी खरीदते हैं तो एक अपॉर्चुनिटी होती है और ये आपको सुरक्षित निवेश की तरफ इशारा भी करता है। यदि पैनी स्टॉक ले लेते हैं 10 रुपए 15 रुपए 20 रुपए का जो कि जिसके फंडामेंटल डाउटफुल होते हैं या फिर ऑपरेटर बेस काम होते हैं तो इनसे बचने की हमारी हमेशा सलाह रहती है कि अच्छी क्वालिटी के स्टॉक खरीदिए। और स्टॉक मार्केट में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप इसको एक स्टॉक भी खरीद सकते हैं, मतलब यदि रिलायंस का आप चाहें तो एक शेयर भी खरीद सकते हैं जबकि दूसरे कमोडिटी बाजार के अंदर ये सुविधा नहीं है और इसको फिजिकल डिलीवरी में लेके आप अपने डीमैट के अंदर बरसों बरस तक रख सकते हैं। मैं एक और विशेष सलाह देना चाहूंगा अपने मार्केट टाइम्स के टीवी के दर्शकों को कि आप निफ्टी ETF खरीदें, निफ्टी ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या निफ्टी BEZ, क्योंकि निफ्टी BEZ की एक यूनिट भी यदि आप लेते हैं तो आराम से आप उसको उसके अंदर ट्रेड कर रह सकते हैं। निफ्टी को आप फ्यूचर लेने की आवश्यकता नहीं है, छोटे व्यापारी छोटे कारोबारियों के लिए इन्वेस्टर के लिए आप निफ्टी BEZ के ऊपर लगातार करते रहिए तो बेस्ट कंपनियों की का ETF आपके पास है, उसका परफॉर्मेंस जैसे जैसे निफ्टी बढ़ेगी जब अमाउंट हो तो वो भी बढ़ते जाएंगे। और आज छोटा निवेशक 1000 रुपए 2000 रुपए 3000 रुपए तक का भी निवेश हर महीने कर सकता है अपनी बचत के आधार पर। यही मेरा कहना है कि छोटी छोटी बचत कीजिए, छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते चले जाइए, लगातार इन्वेस्ट करते चलिए, उसके अंदर सट्टेबाजी से बचना चाहिए। और यदि इस तरह से यदि आप करते हैं तो छोटा निवेशक एक बूंद बूंद करके गड़ा भर जाता है और हमारी 130 करोड़ की जनसंख्या के अंदर यदि निवेशक देखा जाए तो हमारे निवेशक अमेरिकन निवेशकों की संख्या के मुकाबले कुछ भी नहीं है, बहुत कम है। यदि हम बाजार के अंदर आप अच्छी क्वालिटी के स्टॉक खरीदें, आप लंबे समय तक रखेंगे तो निश्चित माने कि इसके अंदर लाभ की संभावनाएं बहुत अधिक बनेगी। जी अखिलेश जी, जी तो यानी कि अच्छे स्टॉक्स खरीदें, थोड़े थोड़े करके स्टॉक्स भी खरीद सकते हैं और लंबे निवेश के लिए अगर खरीदते हैं तो अच्छे स्टॉक्स पर ही अपना हाथ रखें और उनको लंबे समय के लिए निवेश करके चलें जिससे कि आपको लंबे अवधि में अच्छा मुनाफा मिले। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो कुछ ऐसा रहेगा आज आपका राशिफल, कमोडिटी बाजार और शेयर बाज़ार। फिलहाल बाजारों के सितारे में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना हुआ है मार्केट MCV पर। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।